हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबीज मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि ट्विंस प्रेगनेंसी के 7 मंथ से हम बेबी का वेट कैसे गेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारे पास ट्विंस प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ 8.5 महीने ही होते हैं, कभी भी ट्विंस प्रेगनेंसी में 9 महीने का टाइम नहीं लगता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो आपको सबसे पहला काम करना है, बोस्ट करना है कि आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने होंगे। जैसे कि अगर आपने अभी तक दूध नहीं पिया है तो आप आज से ही दूध पीना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे दूध तो पसंद ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपकी ना पसंद या फिर पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको अपने बेबी का वेट अच्छे से और तेजी से गेन करना है तो आपको अपनी डाइट में दूध जरूर पीना पड़ेगा। और मुझे भी दूध बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे देख के ही अजीब सा फील होता था, लेकिन मैं फिर भी पीती थी। तो आपको जो है पूरे दिन में मिनिमम से मैक्सिमम 3 गिलास दूध जरूर पीना है। तो आप सबसे पहले सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद में आपको 1 बड़ा गिलास भर के दूध लेना है एंड उसमें 1 चम्मच भर के प्रोटीन एक्स पाउडर डालना है, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हो। नहीं तो आप प्रोटीन एक्स पाउडर बिल्कुल ले सकती हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है और वो स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए होता है। आपको ये जो मैं बता रही हूँ डाइट, ये आपको सुबह 6 बजे से फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप 10 बजे से करेंगे तो फिर आप प्रॉपर कोई भी चीज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका जो खाने का सिस्टम होगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में जैसे ही हमारा टाइम बढ़ता है तो हमको पेट भरा भरा रहना एंड हमको खाना ना पचना, ये बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं और प्लस इस वजह से हमको भूख भी नहीं लगती है। तो आपको क्या करना है कि दूध जो है वो आपको सुबह 6 बजे लेना है एंड उसके बाद में लगभग आपको 7 से 7:30 के बीच में 2 सेब जरूर खाने, जो कि आपको बहुत फायदा करेंगे। और ये दोनों ही चीजें आपको रेगुलर करनी है जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक, 1 से 1.5 महीने तक, ओके, जितना भी टाइम रह जाता है। अगर आप सेब सादा नहीं खा पा रही है तो आप उसमें जो है काला नमक भी डाल सकती है। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, लगभग 10 बजे के बाद में आप हेल्दी नाश्ता जरूर ले, जिसमें आप चना मटर या फिर सब्जी पराठा पोहे उपमा, मतलब सुबह कोई भी आप नाश्ता ले वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें अनहेल्दी नाश्ता बिल्कुल ना ले। आप जब भी सुबह पराठा वगैरह ले तो कोशिश करें उसमें थोड़ा सा पनीर जरूर ऐड करें, ये भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। और कोशिश करें आप सुबह के 10 बजे के नाश्ते में 1 कटोरी दही जरूर ले लें, ये भी बहुत फायदा करेगा वजन बढ़ाने में। और आपको ये बात स्पेशली ध्यान रखनी कि आपके जो सुबह का नाश्ता होना चाहिए वो बिल्कुल भी अनहेल्दी ना हो, कोशिश करें हेल्दी डाइट लें। 10 बजे नाश्ता करने के बाद में आप लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में आप 1 गिलास दूध जरूर फिर से पिएं, ये आपको जरूर करना है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें अगर आप अपने बच्चे का वजन बढ़ाना चाहती हैं तो। उसके बाद में अब हम बात करते हैं लंच की। तो आपको लंच में स्पेशली ध्यान रखना है कि आप जो भी लंच लें बहुत ज्यादा हेल्दी लेना है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन की बहुत ज्यादा समस्या होगी एंड गैस बनेगी, कब्ज की शिकायत होगी। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी कि आप अपने लंच में रोटी की मात्रा बहुत कम कर दें, मतलब 1 या 2 रोटी ही लें, इससे ज्यादा ना लें। आपको अपने जो खाने में बढ़ाना है वो आप जो है दाल का सेवन बहुत ज्यादा करें, मतलब आप 1 बड़ी कटोरी भर के दाल पिएं एंड आप सारी दालों को लेने की कोशिश करें डेली, अलग अलग एंड बदल बदल के दाल लें। उसके बाद में आप मिक्स करके दाल ले सकती हैं और दाल में 1 चम्मच घी जरूर डालें एंड उसके बाद में आप हरी सब्जी जरूर लें, हरी सब्जी बहुत फायदा करती है और बच्चे का वजन बढ़ाने में बहुत ही मदद करेंगी। सीजन के हिसाब से ले लीजिए, पालक है, तोरई है, भिंडी है और ये सारी जो भी सब्जी चलती है आप इनको जरूर खाएं। सलाद में आपको जो भी पसंद हो, खीरा, चुकंदर एंड टमाटर, ये चीजें जरूर खाएं और अपनी डाइट में नींबू का सेवन जरूर करें। इस समय आपको विटामिन सी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सुबह दही नहीं खा पा रही हैं तो आप अपने खाने में 1 कटोरी दही जरूर रखें। कहने का मतलब है कि आप अपने खाने में रोटी और चावल की थोड़ी सी मात्रा कम कर दें, सलाद, दही एंड दाल और हरी सब्जी इनकी मात्रा ज्यादा रखें। इससे क्या होगा, दाल वगैरह बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको इस टाइम पे बादी आइटम ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि बादी आइटम बहुत जल्दी नहीं डाइजेस्ट होता है और बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, प्लस गैस भी बहुत बनाता है। जैसे कटहल है, बैगन है, घुइया है, ये चीजें ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो आप कोशिश करें कि 7 मंथ के बाद में इन चीजों को जहां तक हो सके इग्नोर करें। अगर आपका बहुत मन करता है तो आप इनको थोड़ा ही ले, बहुत ज्यादा
ज्यादा ना लें। आप इस समय ऐसा भोजन करें जो बहुत जल्दी आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। अब हम बात करते हैं शाम की। शाम को आप कोशिश करें एक कीवी फल जरूर खाएं डेली, ये बहुत फायदा करता है वजन बढ़ाने में। एड अप अनार का सेवन भी जरूर करें, जो भी सीजनल फल है जैसे अमरूद है, केला है, इन चीजों का सेवन जरूर करें। आपको अपनी डाइट में ये फल जरूर ऐड करने हैं, ये बहुत फायदा करते हैं। तो आपको एक दिन में नहीं खाने हैं बल्कि आपको डेली डेली बदल बदल के फल जरूर लेने हैं ताकि आपको सारे वो पोषक तत्व मिले जो आपको चाहिए होते हैं बेबी के वजन बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं नाइट के भोजन की। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको रात का जो भोजन है वो आपको 7 से 7:30 बजे के बीच में हर हाल में कर लेना है। और रात में आप रोटी की मात्रा कम रखें एंड चावल की मात्रा कम रखें, दाल और सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें, क्योंकि ये चीजें बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे आपकी एक शिकायत रहती है कि खाना पचता नहीं है, तो मैं बता दूं आपको इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जो भी खाएं थोड़ा थोड़ा खाएं एंड हर 2-2 घंटे बाद खाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो भी आप खा रही है आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा एंड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि आप कुछ भी खाएं तो आप जो है उसके बाद में थोड़ी देर जरूर टहलें ताकि आपको डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना हो। और दूसरी बात कि आप पूरे दिन में थोड़ा एक्टिव जरूर रहें, क्योंकि जब आप एक्टिव रहेंगी तभी आप इस तरीके से डाइट फॉलो कर पाएंगी। तो बेबी के वेट बढ़ाने के लिए हेल्दी भोजन जरूर करना पड़ेगा, तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं रात को सोते समय। तो 7 मंथ के बाद नींद में बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट होती है, तो आपको यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर लेना है। अगर आपका पेट ज्यादा भरा है तो आप एक छोटा गिलास ले लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि 7 मंथ के बाद में आपको अनहेल्दी चीजें बिल्कुल छोड़ देनी है, जैसे टिक्की, समोसा, गोलगप्पे एंड पिज्जा, बर्गर, ये जो भी आपका मन करता है इनको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप इस समय इन चीजों का सेवन करती है तो आपकी जो डाइजेशन की समस्या, आपकी गैस की समस्या एंड पेट दर्द की समस्या ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो आपको हर हाल में इनको छोड़ना ही होगा। अगर मन करता है तो 1-2 पीस खा ले, इससे ज्यादा बिल्कुल भी ना खाए। इस समय आपको अगर अपने बच्चे का वजन बढ़ाना है तो आपको वही डाइट फॉलो करनी जो मैंने बताई है, क्योंकि ये जो अनहेल्दी चीजें होती हैं, जो बाहर के फूड होते हैं, इनसे आपके बेबी का वजन गेन नहीं होगा, आपका वजन गेन होगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये मैंने आपको जो भी बताया है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो की थी और मेरे बेबी का वजन बिल्कुल अच्छे से गेन हो गया था। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा अपने आपको इस मंथ से रेस्ट देना जरूर चालू करें, इससे भी जो है बेबी का बहुत अच्छे से वजन बढ़ता है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और आपको इस मंथ से कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा टहलना है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप ज्यादा से ज्यादा टहलेंगी तो आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो टाइम पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बस बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतनी ही नॉर्मली डाइट फॉलो करती हैं एंड कुछ बातों का ध्यान रखती है तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपके बेबी का वेट जरूर गेन होगा। और आपको वेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि 7 मंथ के लास्ट में बेबी का वेट 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अगर आपके बेबी का वेट 1 किलो आता है या फिर 1 किलो से थोड़ा सा कम रहता है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो मैंने आपको बताया आप बस वो फॉलो करके देख लीजिए, आपके बच्चे का जरूर वेट गेन होगा। ट्विंस बेबी में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहता है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चों का वेट सेम बढ़े, थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और एक चीज और ध्यान रखें कि अल्ट्रासाउंड में अगर आपके बच्चे का वेट 3 किलो देता है तो बच्चा सिर्फ 2.5 किलो का ही होगा, क्योंकि उसमें प्लासेंटा का वेट भी जुड़ के आता है और ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा वेट की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करें आपके बच्चे का वेट 2.5 किलो हो, वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि 2.5 किलो का बच्चा एक नॉर्मली वेट के अंदर आता है जिसको बहुत ज्यादा जो है डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप कोशिश इतनी जरूर करें और आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक बात और विशेष ध्यान रखनी वो ये है कि आप पानी का सेवन भी अच्छी मात्रा में करें, क्योंकि पानी का सेवन अगर आप अच्छी मात्रा में नहीं करती तो इससे भी बेबी के वेट में इफेक्ट पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी आप दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए, क्योंकि 7 मंथ से टॉयलेट वगैरह बहुत ज्यादा जाना पड़ता है, जिस वजह से लेडीज बहुत ज्यादा पानी को अवॉइड करती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पानी भी प्रॉपर पीना है एंड एक साथ इकट्ठा ना पिए, थोड़ा थोड़ा करके जरूर पिए ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।